नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। सावित्री पर्व एक सर्ग चार द सीक्रेट नॉलेज गुह्य ज्ञान। गत सर्ग में हमने देखा कि अश्वति की आत्मा अज्ञान से मुक्त हो चुकी है और आत्मा की मुक्ति के पश्चात अश्वति को जो गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है, श्री अरविंद उसे इस सर्ग में हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। इस सर्ग का शीर्षक है द सीक्रेट नॉलेज अर्थात गुह्य ज्ञान। इस सर्ग में दिए गए ज्ञान को हम आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान मानव मन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव मन अज्ञान का कारण है। यह ज्ञान केवल आत्मा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि केवल आत्मा ही सत्य को देखने में समर्थ है। पिछले सत्र में हमने इस सर्ग का सार लिया था, एक बार वही सार हम उसको और संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। इनमें जो मुख्य विषय हमारे समक्ष आने वाले हैं, उसमें सर्वप्रथम श्री अरविंद हमें मनुष्य के विषय में बताते हैं। वे बताते हैं कि जब हम मन और इंद्रियों द्वारा अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम मृत्युबद्ध हैं और एक संघर्षपूर्ण और छोटा सा जीवन व्यतीत करने के पश्चात हम जगत से सदा के लिए चले जाते हैं। श्री अरविंद हमें बताते हैं कि यह सत्य नहीं है। वस्तुतः हम विशाल और अमर हैं। हमारे अंतर में एक महान और अनश्वर आत्मा निवास करती है जो हमारा सच्चा रूप है। हम जाने अनजाने सदा उसी की ओर बढ़ते रहते हैं। हम न केवल जगत और मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के प्रति अनभिज्ञ हैं, अपितु हम जगत और मनुष्य के वैभवशाली भविष्य के प्रति भी अनभिज्ञ हैं। हमें जगत और मनुष्य के जीवन के सत्य को जानने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है, और जब तक यह आध्यात्मिक दृष्टि हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक यह सर्ग उस ज्ञान को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। जगत के विषय में इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जगत विकासशील है। मनुष्य पशु से उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे वह एक देव की ओर विकसित हो रहा है। यह जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है और परम प्रभु ने इस जगत की रचना हेतु अपनी ही सत्ता से पुरुष और प्रकृति की रचना की है। जगत की इस लीला में हम एक अभिनेता के समान हैं, परंतु ना तो हम जगत के उद्देश्य से अवगत हैं और ना ही इसकी गुह्य क्रिया से। श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जगत मिथ्या नहीं, अपितु यह एक सत्य है, और इस जगत का उद्देश्य है कि इसमें गोपित भगवान को भौतिक रूप में इस जगत में अभिव्यक्त करना।
पृथ्वी के विषय में श्री अरविंद इस सर्ग के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि अनंत युगों के श्रम के पश्चात पृथ्वी ने मनुष्य का निर्माण किया है, परंतु उसने अभी तक अपनी पराकाष्ठा को, अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। उसका लक्ष्य है दिव्य मानव को धरा पर प्रकट करना। देवों के विषय में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि देव जगत के ऊर्ध्व में स्थित रहते हैं, वे जगत के निर्माता हैं, वे पृथ्वी के संघर्ष और उसके उद्देश्य को जानते हैं, वे पृथ्वी के कार्यों की देखरेख करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। मानवीय दुखों से मुक्त वे परम आनंद में निवास करते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता, वे केवल भागवत संकल्प के लिए ही कार्य करते हैं और कोई भी पुकार अथवा कोई भी प्रार्थना उन्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकती है। इस सर्ग में श्री अरविंद हमें एक महान आश्वासन भी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि संघर्षों से भरे इस विशाल जगत में हमें असहाय नहीं छोड़ दिया गया है। एक दिव्य हस्त सदा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है, एक शक्तिशाली मार्गदर्शन और एक गुह्य आध्यात्मिक सहायता सदा हमारे साथ रहती है, जो सभी प्रकार के कष्टों में, संघर्षों में और सभी प्रकार की पराजयों के मध्य भी हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। अर्थात सभी स्थिति में भगवान हमारे साथ रहते हैं। हमने भागवत संकल्प को पूर्ण करने के लिए इस जगत में जन्म लिया है और इस साहसिक कार्य के पुरस्कार के रूप में हमें सचेत अमरता अर्थात कॉन्शियस इमॉर्टलिटी का वरदान दिया गया है। अर्थात इस जग में अपना कार्य करने के पश्चात हम कॉन्शियस इमॉर्टलिटी अर्थात सचेत अमरता को प्राप्त करेंगे और स्वयं भगवान इस पुरस्कार को अनेकों जन्मों की श्रृंखला के मध्य हमारे लिए सुरक्षित रखते हैं, जिसे कोई भी शक्ति हमसे छीन नहीं सकती है। तो यह इस सर्ग का सार है। पिछले अंक में इन मुख्य सत्यों के अतिरिक्त हमने कुछ और सत्यों को जाना था, जो कुछ इस प्रकार से हैं कि मनुष्य के अंतर में अनंत को पाने की एक अभीप्सा है, एक लौ है जो सदा प्रज्वलित रहती है। सामान्य जीवन में जब हम भगवान के प्रति अनजान रहते हैं, तब भी हमारी सत्ता में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं। अर्थात वे हमसे कह रहे हैं कि चाहे हम भगवान के प्रति सचेत हों अथवा ना हों, हमारी सत्ता में ऐसे अंश होते हैं जो निरंतर भगवान को पुकारते रहते हैं और उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। एक और सत्य उन्होंने हमारे समक्ष प्रकट किया कि कभी कभी भगवान स्वयं को प्रकट करने के लिए किसी एक मनुष्य को चुन लेते हैं, तब एक महत्तर व्यक्तित्व उस व्यक्ति को अधिकृत कर लेता है, उसका अहम समाप्त हो जाता है और वह प्रकृति और भगवान के साथ एक हो जाता है। तो यह भाव हमने पिछले अंश में देखे थे। जो अंश हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि जब हम बाह्य जगत से विमुख हो जाते हैं और अपने अंतर में प्रवेश करते हैं, तो हमें कौन कौन से अनुभव प्राप्त होते हैं। दूसरे भाग में श्री अरविंद हमें आत्मा अथवा आत्मन के सत्य के विषय में बता रहे हैं और तीसरे भाग में श्री अरविंद हमें यह बता रहे हैं कि हम इन सत्यों को क्यों नहीं जान पाते और उस अज्ञानवश हमें अपना जीवन किस प्रकार का प्रतीत होता है। तो अब हम
इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 47 पर हैं और पंक्ति नंबर 34 पर। इन पंक्तियों में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि जब हम बाह्य जगत से मुख मोड़कर अंतर्मुखी होते हैं, तब हमारी आत्मा अपनी गहनताओं से बात करती है। इन मूमेंट्स व्हेन द इनर लैंप्स आर लिट एंड द लाइफ्स चेरिश्ड गेस्ट आर लेफ्ट आउटसाइड, आवर स्पिरिट सिट्स अलोन एंड स्पीक्स टू इट्स गल्फ्स। अर्थात ऐसे क्षणों में जब हम बाह्य जगत से मुख मोड़ लेते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब अंतर के दीप जल उठते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं और जीवन के प्रिय अतिथि बाहर छूट जाते हैं। इन मोमेंट्स व्हेन द इनर लैंप्स आर लिट एंड द लाइफ्स चेरिश्ड गेस्ट आर लेफ्ट आउटसाइड, आवर स्पिरिट सिट्स अलोन एंड स्पीक्स टू इट गल्स। और ऐसे एकाकी पलों में हमारी आत्मा अपनी गहनताओं से संवाद करती है। और तब क्या परिवर्तन होते हैं कि हमारे अंतर में एक विशाल चेतना अपने द्वार खोल देती है और आध्यात्मिक नीरवताओं से, उच्च लोकों से एक दिव्य किरण नीचे आती है, जो हमारी सत्ता पर अपनी पवित्र छाप छोड़ देती है। ए वाइडर कॉन्शियसनेस ओपन्स देन इट्स डोर। तब एक विशाल चेतना अपने द्वार खोल देती है। इनवेडिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल साइलेंसेस, तो आध्यात्मिक नीरवताओं से आक्रमण करते हुए, ए रे ऑफ द टाइमलेस ग्लोरी स्टूप्स अवाइल टू कम्यून विद अवर सीस्ड इल्यूमिंड क्ले। तो आध्यात्मिक नीरवताओं से आक्रमण करते हुए एक ऐसी महिमा जो कालातीत है, टाइमलेस ग्लोरी, वहां से एक किरण कुछ देर के लिए झुकती है। किस लिए? टू कम्यून विद अवर सीज्ड इल्यूमिंड क्ले। तो हमारी सत्ता जो प्रकाश पा रही है, प्रकाशित हो रही है, जो अभिभूत है, उससे संवाद करने के लिए वह किरण नीचे झुकती है। एंड लीव्स इट्स ह्यूज वाइट स्टैम्प अपॉन आवर लाइव्स। और यह हमारे जीवन पर अपनी पवित्र, शुभ्र और विशाल छाप अंकित कर देती है। यद्यपि ये पल कुछ देर के लिए होते हैं, लेकिन वे हम पर स्थायी प्रभाव डाल देते हैं। और जब ये पल बीत जाते हैं, तब भी हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो शांति और आनंद के उन अनमोल पलों की स्मृति संजोए रहता है और उन्हें खोजता रहता है। ए वाइडर कॉन्शियसनेस ओपन्स देन इट्स डोर्स, इनवेडिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल साइलेंसेस, ए रे ऑफ द टाइमलेस ग्लोरी स्टूप्स अवाइल टू कम्यून विद अवर सीज्ड इल्यूमिंड क्ले एंड लीव्स इट्स ह्यूज वाइट स्टैम्प अपॉन अवर लाइव्स। और जब ऐसा परिवर्तन हमारी सत्ता में होता है, तो हमारी सत्ता में शाश्वतता के कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं। इन द ऑब्लिवियस फील्ड ऑफ मॉर्टल माइंड, रिवील टू द क्लोज्ड प्रॉफिट आईज ऑफ ट्रांस, और इन सम डीप इंटरनल सॉलिट्यूड विटनेस्ड बाय ए स्ट्रेंज इमेटीरियल सेंस, द सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी अपीयर। तो क्या होता है कि यह जो शाश्वतता के चिन्ह हैं, वो हमारी सत्ता में प्रकट होते हैं। और हम उसको किस प्रकार से देखते हैं, हमारे अंदर वो कौन सी सत्ता है जो उनको पहचानती है? इन द ऑब्लिवियस फील्ड ऑफ मॉर्टल माइंड,
तो नश्वर मन के अचेत क्षेत्र में, अर्थात जो हमारा मानवीय मन है वो अचेतन होता है, वह इन चिन्हों के प्रति सजग नहीं रहता है, उनको पकड़ नहीं पाता है। इन द ऑब्लिवियस फील्ड ऑफ मॉर्टल माइंड रिवील टू द क्लोज प्रॉफिट आईज ऑफ ट्रांस, और ऐसे मन के क्षेत्र में जो समाधिष्ठ भविष्य दृष्टा है, अर्थात जब हम समाधि में होते हैं और हमारी जो भविष्य को देखने की दृष्टि जाग जाती है, जबकि हमारे नेत्र बंद रहते हैं, तो उस भविष्य दृष्टा के समक्ष ये शाश्वतता के चिन्ह प्रकट होते हैं। इन द ऑब्लिवियस फील्ड ऑफ मॉर्टल माइंड रिवील टू द क्लोज्ड प्रॉफिट आईज ऑफ ट्रांस और इन सम डीप इंटरनल सॉलिट्यूड, या फिर अपने अंतर में किसी गहन आंतरिक एकांत में, विटनेस्ड बाय ए स्ट्रेंज इमेटीरियल सेंस, तो एक ऐसा बोध जो विचित्र बोध है, स्ट्रेंज है, इमेटीरियल है, सूक्ष्म है, अर्थात जो पार्थिव इंद्रियों पर आधारित नहीं है, उससे जो सूक्ष्म बोध है उसको यह शाश्वतता के चिन्ह दिखाई देते हैं। इन द ऑब्लिवियस फील्ड ऑफ मॉर्टल माइंड रिवील टू द क्लोज्ड प्रॉफिट आईज ऑफ ट्रांस और इन सम डीप इंटरनल सॉलिट्यूड विटनेस बाय अ स्ट्रेंज इमेटीरियल सेंस द सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी अपीयर। और अब श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि ये शाश्वतता के चिन्ह कौन कौन से हैं। पहले चिन्ह के रूप में वह हमें बता रहे हैं कि हम अपनी पार्थिव इंद्रियों से, उन पर आधारित मन से और अपने हृदय से ऊपर उठ जाते हैं। द ट्रुथ माइंड कुड नॉट नो अनवेल्स इट्स फेस, तो वह सत्य जो हमारा मानव मन नहीं जान सकता वो अपना मुख प्रकटा देता है। द ट्रुथ माइंड कुड नॉट नो अनवेल्स इट्स फेस, वी हियर व्हाट मोर्टल ईयर्स हैव नेवर हर्ड, और हम वह वाणी सुनते हैं जिसे पार्थिव कर्णों ने, अर्थात जिसे हमने पहले कभी नहीं सुना है। वी फील व्हाट अर्थली सेंस हैज नेवर फेल्ट, और हम वह अनुभव करते हैं जिसे हमारे पार्थिव बोध ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। वी लव व्हाट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड, और हम उससे प्रेम करने लगते हैं जिससे सामान्य हृदय डरते हैं और दूर भागते हैं। तो ये परिवर्तन हमारी सत्ता में होते हैं। द ट्रुथ माइंड कुड नॉट नो अनवेल्स इट्स फेस, वी हियर व्हाट मॉर्टल ईयर्स हैव नेवर हर्ड, वी फील व्हाट अर्थली सेंस हैज नेवर फेल्ट, वी लव व्हाट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड। और क्या परिवर्तन होता है हमारी सत्ता में, कि हमारा मन शांत हो जाता है और उसके स्थान पर एक ऐसी सर्वज्ञता जो दीप्तिमान है, प्रकाश लिए है, प्रकट हो जाती है, और हम प्रभु के स्पर्श का परम आनंद अनुभव करते हैं। Our minds hush to a bright omniscient, तो हमारा मन शांत हो जाता है और वहां एक दीप्तिमान सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। ए वॉइस कॉल्स फ्रॉम द चेम्बर्स ऑफ द सोल, और हमारे अंतर कक्षों से, वहां जहां हमारी आत्मा निवास करती है, एक दिव्य वाणी हमें पुकारती है। वी मीट द एक्सटेसी ऑफ द गॉड हिज टच इन गोल्डन प्राइवेसी ऑफ इमॉर्टल फायर,
जो इमॉर्टल फायर जो हमारे अंतर में स्थित रहती है वह हमारी चैत्य अग्नि है। उस चैत्य अग्नि के स्वर्णिम एकांत में, इन गोल्डन प्राइवेसीज ऑफ इमॉर्टल फायर, तो चैत्य अग्नि के द्वारा उसके स्वर्णिम एकांत में हम प्रभु के स्पर्श का परम आनंद अनुभव करते हैं। वी मीट द एक्सटेसी ऑफ द गॉड हेड टच इन गोल्डन प्राइवेसीज ऑफ इमॉर्टल फायर। Our minds hush to a bright omniscient, a voice calls from the chambers of the soul. We meet the ecstasy of the Godhead's touch in golden privacies of immortal fire. और शाश्वतता के जो ये चिन्ह हैं, ये हमारी आत्मा के लिए, जिसके प्रति हम अनभिज्ञ होते हैं, स्वाभाविक अंग हैं। अर्थात यह हमारी आत्मा के लिए सहज अनुभव है और केवल कभी कभी ही ये हमारी सत्ता में प्रकट होते हैं। These signs are native to our larger self that lives within us by ourselves unseen। तो यह जो चिन्ह है, जो हमारी महत्तर सत्ता है, हमारी आत्मा है, जो हमारे अंतर में अदृश्य रहती है, उसके लिए यह स्वाभाविक अंग है। These signs are native to a larger self that lives within us by ourselves unseen. Only sometimes a holier influence comes. केवल कभी कभी एक पवित्र प्रभाव हमारी सत्ता पर होता है। Only sometimes a holier influence comes, a tide of mightier surgings bears our lives. और तब एक शक्तिशाली ज्वार हमारे जीवन को वहन करता है, अर्थात हमारी सत्ता में एक महान शक्ति का संचार होता है। And a diviner presence moves the soul. और एक दिव्य उपस्थिति हमारी चैत्य सत्ता को गति देती है। तब ऐसा होता है कि जैसे हमारी सत्ता एक दिव्य उपस्थिति, दिव्य शक्ति के प्रभाव में आगे बढ़ रही है। These signs are native to a larger self that lives within us by ourselves unseen. Only sometimes a holier influence comes. A tide of mightier surgings bears our lives and a diviner presence moves the soul. या फिर कभी कभी क्या होता है, और through the earthly covering something breaks. तो कभी कभी यह जो हमारा पार्थिव आवरण है उसको भेदते हुए हमारी चैत्य अग्नि प्रकट होती है। और थ्रू द अर्थली कवरिंग समथिंग ब्रेक्स, ए ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, द मर्मरिंग टंग ऑफ ए सेलेस्टियल फायर। तो कभी कभी इन पार्थिव आवरणों को भेद कर हमारे अंतर में जो आध्यात्मिक प्रकाश की कृपा और सौंदर्य है, ए ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, अर्थात दिव्य अग्नि अथवा चैत्य अग्नि, एक झिलमिलाती हुई लौ के समान प्रकट होती है। और थ्रू द अर्थली कवरिंग समथिंग ब्रेक्स, अ ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, द मर्मरिंग टंग ऑफ ए सेलेस्टियल फायर। तो हमें अपने अंदर में जो उपस्थित चैत्य अग्नि है उसका आभास होता है। अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं, उसमें अब दूसरा भाव प्रकट हो रहा है। इन पंक्तियों में श्री अरविंद हमें आत्मा के सत्य के विषय में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं, अर्थात यदि हम
अपने को आइडेंटिफाई करना चाहें, अपने को जानना चाहें, तो हमारी आत्मा ही हमारा अस्तित्व है। तो हमारी आत्मा जो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं, वही हमारा उद्गम है, वही हमारे जीवन का आधार है और वही हमारे जीवन का सूत्र है, वही हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य है और हम जाने अनजाने उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहूँगा कि आत्मा के लिए कई और शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे जीवात्मा, आत्मन या अंग्रेजी भाषा में सेल्फ। तो ये तीन शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जीवात्मा, आत्मन और सेल्फ। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अथवा जीवात्मा को पुरुष माना जाता है, परंतु आत्मा जो शब्द है या जीवात्मा शब्द, ये अकारांत शब्द हैं और अकारांत शब्द सामान्यतः स्त्रीवाचक होते हैं और इसलिए कई बार हम देखते हैं कि आत्मा और जीवात्मा को सामान्यतः स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि आत्मन शब्द पुरुषवाचक है और उसे पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों का प्रयोग हम कभी इसका और कभी उसका प्रयोग करेंगे और दोनों एक ही सत्ता को, सेल्फ को अथवा जीवात्मा को संकेत कर रहे हैं। तो ये पंक्तियां हम देखते हैं कि यह जो हमारा आत्मन है यह शाश्वत है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी नश्वर देह के साथ नष्ट हो जाता है। Our self and a high stranger whom we feel. It is and acts unseen as if it were not. तो हमारी सत्ता में एक उच्च अपरिचित है, high stranger, whom we feel, जिसे हम अनुभव करते हैं, our self, वो हम स्वयं ही हैं। Our self and a high stranger whom we feel, it is an act unseen as if it were not. यह है और ऐसे कार्य करता है जैसे कि वह नहीं है। तो यहाँ पर श्री अरविंद इस सत्य के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हम कई बार यह मान लेते हैं कि आत्मा हमारा भ्रम है, परंतु वो क्या कह रहे हैं, इट इज एंड एक्ट्स अनसीन एज इफ इट वर नॉट, यह है और ऐसे कार्य करता है जैसे कि वह नहीं है। अवर सेल्फ एंड ए हाई स्ट्रेंजर हुम वी फील, इट इज एंड एक्ट्स अनसीन एज इफ इट वर नॉट। इट फॉलोज द लाइन ऑफ सेम्पिटर्नल बर्थ yet seems to perish with its mortal frame. तो यह जो हमारा आत्मन है, यह अनंत जन्मों की जो परंपरा है उसका अनुसरण करता है, अर्थात यह बार बार जन्म लेता है, परंतु हर बार ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारी देह के साथ नष्ट हो जाता है। It follows the line of sempiternal birth, yet seems to perish with its mortal frame. इस आत्मन के विषय में और पंक्तियां हैं कि यह जो हमारी सत्ता है, यह जो हमारा आत्मन है, यह हमारे भविष्य के प्रति और हमारे भाग्य के प्रति आश्वस्त है और यह हमारे जीवन की यात्रा में काल की गणना नहीं करता है। Assured of the apocalypse to be, apocalypse होता है revelation, कोई दिव्य प्रकटन। Assured of the apocalypse to be, it reckons not the moments and the hours. तो यह जो हमारी सत्ता है, यह जो आत्मन है, यह दिव्य उद्घाटन के प्रति आश्वस्त होता है, इसलिए यह क्षणों की और घंटों की
और वर्षों की गणना नहीं करता है। Assured of the apocalypse to be, it reckons not the moments and the hours. Great, patient, calm, it sees the centuries pass, awaiting the slow miracle of our change. In the sure, deliberate process of world force and the long march of all revealing time. तो श्री अरविंद हमें क्या बता रहे हैं कि इन द श्योर डेलीब्रेट प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड फोर्स, तो ये जो विश्व शक्ति है यह अचूक है, श्योर है, डेलीब्रेट प्रोसेस अर्थात यह जो प्रक्रिया है सुविचारित है, अर्थात जग में जो क्रिया चल रही है, जो विश्व शक्ति कार्य कर रही है, वो ना केवल अपने अंतिम लक्ष्य के प्रति अचूक है अपितु उसकी प्रक्रिया भी सुविचारित है, सोची समझी है। इन द श्योर डेलीब्रेट प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड फोर्स एंड द लॉन्ग मार्च ऑफ ऑल रिवीलिंग टाइम, और काल के इस लंबे प्रयाण में जो सभी सत्यों को धीरे धीरे प्रकट कर रहा है, एंड द लॉन्ग मार्च ऑफ ऑल रिवीलिंग टाइम अवेटिंग द स्लो मिरेकल ऑफ अवर चेंज, तो यह जो हमारा आत्मन है, ग्रेट पेशेंट काम, यह महान है, धीर है और शांत है। इट सीज द सेंचुरीज पास, यह हमारे परिवर्तन के धीरे चमत्कार के लिए शताब्दियों की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि यह आश्वस्त है हमारे स्वर्णिम भाग्य के प्रति, क्योंकि यह आश्वस्त है विश्व शक्ति के कार्य के प्रति, तो यह शताब्दियों तक हमारे स्वर्णिम परिवर्तन की प्रतीक्षा करता है। Assured of the apocalypse to be, it reckons not the moments and the hours. Great, patient, calm, it sees the centuries pass, awaiting the slow miracle of our change. In the sure, deliberate process of world force and the long march of all revealing time. अब इन पंक्तियों में श्री अरविंद बता रहे हैं कि यह जो हमारी आत्मा है, हमारा सेल्फ है, यह हमारा उद्गम है, हमारे जीवन का आधार है, उसका सूत्र है और हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य भी है। It is the origin and the master clue, a silence overhead, an inner voice, a living image seated in the heart. It is the origin and the master clue. तो यह हमारा मूल है और हमारे जीवन का यह मुख्य सूत्र है। It is the origin and the master clue, a silence overhead. यह हमारे ऊर्ध्व में स्थित नीरवता है, एन इनर वॉइस, और अंतर में स्थित एक दिव्य वाणी है, ए लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट, और हमारे हृदय में स्थित विराजमान जीवन मूर्ति है, एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड ए फेदमलेस पॉइंट, तो यह असीम है और अथाह है। An unwild wideness and a fathomless point, the truth of all these cryptic shows in space, और जगत में जो कुछ भी घटित हो रहे गूढ़ दृश्य हैं, उनका यह सत्य है। The real towards which our strivings move, यह वह सत्य है जिसे पाने के लिए हमारे प्रयास आगे बढ़ते हैं, अर्थात जाने अनजाने हम इसी सत्य की ओर बढ़ते हैं। द सीक्रेट ग्रैंडियस मीनिंग ऑफ अवर लाइफ, यह हमारे जीवन का गुह्य और भव्य अर्थ है। इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लू, अ साइलेंस ओवरहेड एंड इनर वॉइस, अ लिविंग इमेज
seated in the heart, an unwalled wideness and a fathomless point. The truth of all these cryptic shows in space, the real towards which our striving move, the secret grandiose meaning of our lives. इसी भाव को आगे ले जाते हुए श्री अरविंद बताते हैं कि यह जो हमारा आत्मन है, यह जगत के आनंद का स्रोत है और हमारा भावी रूप है, अर्थात हम धीरे धीरे इसी की ओर बढ़ रहे हैं। ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कॉम्ब ऑफ गॉड, ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक, इट इज अवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड। तो यह जो जगत रूपी वन है, उसमें यह मधु का खजाना है, शहद का ट्रेजर है। ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कॉम्ब्स ऑफ गॉड, अ स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक, यह काले आवरण में अर्थात हमारी जड़ देह में एक दीप्तिमान भव्यता है। तो हमारे अंतर में यह गोपित है और कैसे, एक प्रकाशमान सत्ता के समान। ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक, इट्स अवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड, यह प्रभु की ज्योति का अंश है और यह हमारी महिमा है। ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कॉम्ब्स ऑफ गॉड, ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक, इट इज अवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड, अवर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ड्स डिलाइट। तो जगत में आनंद पाने का यह हमारा स्वर्णिम झरना है, अर्थात जब हम इसको स्पर्श कर लेंगे तो हम इस जगत में आनंद की अनुभूति करेंगे। अवर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ड्स डिलाइट एंड इमॉर्टलिटी काउल्ड इन द केप ऑफ डेथ। तो मृत्यु का चोला ओढ़े हुए यह एक अमरता है, अर्थात जो हम अपने को मृत्युबद्ध जानते हैं, हमारे अंदर जो अमरता की सत्ता है, जो अमरत्व है, वह यह हमारा आत्मन है। एन इमॉर्टलिटी काउल्ड इन द केप ऑफ डेथ, द शेप ऑफ अवर अनबॉर्न डिविनिटी, और यह हमारी अव्यक्त दिव्यता का भावी रूप है, अर्थात हम जाने अनजाने इसकी ओर बढ़ते हैं और इसको ही अंततः प्राप्त होते हैं। अवर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ड्स डिलाइट एंड इमॉर्टलिटी काउल्ड इन द केप ऑफ डेथ, द शेप ऑफ अवर अनबॉर्न डिविनिटी। और यह जो हमारा आत्मन है, जो हमारे अंतर में स्थित है, यह हमारे भाग्य की रक्षा करता है। और हमारा भाग्य क्या है? हमारा भाग्य है भगवान को प्राप्त करना और उस जैसा बन जाना। यह जो हमारा भाग्य है, इसकी रक्षा स्वयं आत्मन जो हमारे अंतर में स्थित है वह करता है। इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन, वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांजिएंट थिंग्स। तो हमारे अंतर की गहनताओं में, जहां इस क्षणभंगुर जगत का शाश्वत बीज सुप्त रहता है, वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांजिएंट थिंग्स, वहां रहते हुए यह हमारे भाग्य की रक्षा करता है। इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन, वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांजिएंट थिंग्स। और यह वह कुंजी है जो हमारे अंतर में छिपी हुई है। ऑलवेज वी बियर इन अस अ मैजिक की कंसील्ड इन लाइव्स हर्मेटिक एनवलप। तो हम सदा अपने अंतर में
एक जादुई कुंजी रखते हैं जो जीवन के बंद लिफाफे में छिपी रहती है, अर्थात हमारे अंतर में हमारा आत्मन एक ऐसी कुंजी है जो छिपा रहता है। और यह जादुई कुंजी क्या है? यह हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं की, हमारे जीवन के रहस्य की और उसके लक्ष्य की कुंजी है। अर्थात अगर हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई घटना क्यों हो रही है, हमारे जीवन का रहस्य क्या है, हमने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है, हम कहाँ जा रहे हैं, इन सब के उत्तर हमारी इस कुंजी में गोपित हैं, छिपे हुए हैं। ऑलवेज वी बियर इन अस अ मैजिक की कंसील्ड इन लाइफ हर्मेटिक एनवलप। और यह जो हमारा आत्मन है इस जगत के लक्ष्य को और इस काल के प्रवाह के रहस्य को जानता है, अर्थात जो कुछ इस जगत में घट रहा है उसका रहस्य क्या है, यह जगत किस ओर जा रहा है, यह हमारे आत्मन में गोपित है। ए बर्निंग विटनेस इन द सेंचुरी रिगार्ड्स थ्रू टाइम एंड द ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फॉर्म। यह जो हमारा देह रूपी अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, उसमें यह दीप्तिमान साक्षी के समान स्थित है। ए बर्निंग विटनेस इन द सेंचुरी रिगार्ड्स थ्रू टाइम, वह काल के प्रवाह में, एंड द ब्लाइंड फॉल्स ऑफ फॉर्म, और रूप के जो अपारदर्शी दीवारें हैं उनके पार देखता है, अर्थात वो काल के पार और रूप के पार इस जगत के सत्य को जानता है, देखता है। ए बर्निंग विटनेस इन द सेंचुरी रिगार्ड्स थ्रू टाइम एंड द ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फॉर्म्स, ए टाइमलेस लाइट इन हिज हिडन आईज। तो उसके जो गोपित नेत्र हैं उनमें एक कालातीत प्रकाश है। ए टाइमलेस लाइट इन हिज हिडन आईज। तो उसके नेत्र कैसे हैं? जो भविष्य को देख सकते हैं, टाइमलेस, जो काल के पार देख सकते हैं, अर्थात काल के रहस्य को भी देख सकते हैं। अर्थात यह जो हमारे अंदर में सत्ता है, यह काल के परे भी देख सकती है, अर्थात काल के सत्य को भी जान सकती है। ए टाइमलेस लाइट इन हिज हिडन आईज, ही सीज द सीक्रेट थिंग्स नो वर्ड्स कैन स्पीक। वह उन गुह्य तत्वों को देखता है जिन्हें कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात जो सत्य वो जानता है, जिन्हें वो देखता है, उन्हें कोई मानवीय शब्द इस धरा पर व्यक्त नहीं कर सकते। He sees the secret things no words can speak and knows the goal of the unconscious world। और यह जो अचेतन जगत है उसके लक्ष्य को यह जानता है। And the heart of the mystery of the journeying years, और यह जो बीतते हुए वर्ष हैं उनके रहस्य को यह जानता है। A timeless light in his hidden eyes, he sees the secret things no words can speak and knows the goal of the unconscious world and the heart of the mystery of the journeying years। यहां पर जो हमने दूसरे भाव की बात की थी वह समाप्त हो रहा है और अब तीसरा भाव यहां पर आरंभ हो रहा है। तो हमारे जीवन के गूढ़ सत्यों को प्रकट करने के पश्चात श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि हम जीवन और जगत के इन सत्यों को क्यों नहीं जान पाते और उस कारण से हमें यह जगत और जीवन कैसा प्रतीत होता है। तो एक और तो वह हमें वह कारण बता रहे हैं जिसके कारण हम इन सत्यों से अनभिज्ञ रहते हैं
दूसरी ओर हमें वह बता रहे हैं कि उसके अभाव में, उस ज्ञान के अभाव में हम इस जगत को कैसा जानते हैं। तो श्री अरविंद बता रहे हैं कि हम एक अर्ध प्रकाशित मानसिक चेतना में बंधे हुए हैं, अर्थात हमारा जो मन है वो अर्ध प्रकाशित है, वो अज्ञानता का कारण है, और इसलिए ना तो हम इस संसार का और ना ही अपने जीवन का सच्चा अर्थ जानते हैं। यदि हम इन्हें जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। बट ऑल इज स्क्रीन्ड सबलिमिनल मिस्टिकल, परंतु यह सब कुछ ढका हुआ है, अवचेतन में है, हमारी चेतना से परे है और रहस्यमय है। बट ऑल इज स्क्रीन्ड सबलिमिनल मिस्टिकल, इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट द इनवर्ड टर्न, इसे जानने के लिए अंतर्मुखी दृष्टि और एकात्म हृदय की आवश्यकता है। यदि हम इन सत्यों को जानना चाहते हैं तो हमें अंदर की ओर मुड़ना पड़ेगा और एक ऐसा हृदय जो सकल जगत से एकात्म है उसे प्राप्त करना होगा। इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट द इनवर्ड टर्न, इट नीड्स द पावर ऑफ अ स्पिरिचुअल गेज, इसे जानने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। बट ऑल इज स्क्रीन्ड सबलिमिनल मिस्टिकल, इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट द इनवर्ड टर्न, इट नीड्स द पावर ऑफ अ स्पिरिचुअल गेज। और जब तक हमारे पास यह आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती तो हमें हमारा जीवन कैसा प्रतीत होता है। एल्स टू अवर वेकिंग माइंड स्मॉल मूवमेंट लुक, ए गोललेस वॉयज सीम्स अवर ड्यूबियस कोर्स। तो जब हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती तब यह जो हमारा जागृत मन है, वेकिंग माइंड स्मॉल मूवमेंट लुक, जो हमारा जागृत मन भी है, जो सचेत मन भी है, उसकी दृष्टि भी शुद्र होती है, छोटी होती है, क्षणिक होती है, वो केवल एक क्षण को देख पाता है, वो ना तो भूतकाल को ना ही भविष्य को देख पाता है, और इसलिए उसे यह जो हमारा जीवन है उसकी यह जो अनिश्चित यात्रा है, ड्यूबियस कोर्स, जिस यात्रा पर हम जा रहे हैं, जो कि संदिग्ध है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, वो लक्ष्यहीन प्रतीत होती है। Else to our waking mind small movement look, a goalless voyage seems our dubious course, some chance has settled or hazarded some will। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दैवीय संयोग ने इसे निर्धारित कर दिया है, कोई ऐसा चांस है, कोई दैवी संयोग है जिसने इसको निश्चित कर दिया है, सेटल्ड, और हैजर्डेड सम विल, या कोई दैवी संकल्प है जिसने इस यात्रा पर चलने का जोखिम उठाया है। सम चांस है सेटल्ड और हैजर्डेड सम विल और ए नेसेसिटी विदाउट एम और कॉज, unwillingly compelled to emerge and be, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वैश्विक आवश्यकता बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण और बिना उसकी सहमति के जन्म लेने के लिए और अभिव्यक्त होने के लिए बाध्य की गई है। तो हमें क्या प्रतीत होता है, else to our waking mind small movement look, a goalless voyage seems of a dubious course, some chance has settled or hazarded some will, or a necessity without aim or cause, unwillingly compelled to emerge and be। और यहां तक कि हमें अपना अस्तित्व ही संदिग्ध लगता है। In this dense field where nothing is plain or sure, our very being seems to us questionable।
तो इस सघन क्षेत्र में जहां कुछ भी स्पष्ट अथवा निश्चित नहीं है, हमें हमारा अस्तित्व ही संदिग्ध लगता है कि हम हैं या नहीं, यह भी एक संशय बना रहता है। Our life a vague experiment, हमें हमारा जो जीवन है वो एक उद्देश्यहीन प्रयोग प्रतीत होता है, अर्थात हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और एक ऐसा यह प्रयोग है। The soul a flickering light in a strange ignorant world, और हम अपनी चैत्य सत्ता को कैसा समझते हैं, यह कोई विचित्र और अज्ञ जगत में एक टिमटिमाती हुई कोई अक्षम ज्योति है, अर्थात उसको भी हम अक्षम मानते हैं। द सोल अ फ्लिकरिंग लाइट इन ए स्ट्रेंज इग्नोरेंट वर्ल्ड, द अर्थ अ ब्रूट मैकेनिक एक्सीडेंट, और धरा को हम क्या मानते हैं कि एक तर्कहीन और यांत्रिक दुर्घटना है, मैकेनिकल है, तर्कहीन है। ए नेट ऑफ डेथ, यह मृत्यु का पाश है, इन विच बाय चांस वी लिव, जिसमें संयोगवश हमने जन्म ले लिया है, अर्थात हमें इस जगत के उद्देश्य के प्रति और इस जगत में अपनी भूमिका के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति संशय बना रहता है। इन दिस डेंस फील्ड वेयर नथिंग इज प्लेन और श्योर, अवर वेरी बीइंग सीम्स टू अस क्वेश्चनेबल, अवर लाइफ अ वेग एक्सपेरिमेंट, द सोल अ फ्लिकरिंग लाइट इन ए स्ट्रेंज इग्नोरेंट वर्ल्ड, द अर्थ अ ब्रूट मैकेनिक एक्सीडेंट, अ नेट ऑफ डेथ इन विच बाय चांस वी लिव। और हमें क्या प्रतीत होता है कि हमारा जो सारा ज्ञान है वो भी संदिग्ध लगता है, अर्थात जो कुछ भी हम जानते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो विश्वसनीय नहीं है, सत्य नहीं है। All we have learned appears a doubtful guess, जो कुछ भी हमने सीखा है वह एक संदिग्ध अनुमान लगता है। सामान्यतः जो मनुष्य है वो जो कुछ जानता है उसके प्रति बड़ा आश्वस्त होता है, परंतु जो तर्क बुद्धि पर कार्य करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, यदि हम उनसे बात करें, वो ऐसा मानते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं वो सब कुछ संदिग्ध है, अर्थात उनके मन में हमेशा संशय बना रहता है। ये केवल सामान्य मनुष्य है जो अपने ज्ञान के प्रति आश्वस्त रहता है, परंतु जितने ज्ञानी लोग हैं, जितने ज़्यादा इस जगत के बारे में जानते हैं, वो धीरे धीरे अनुभव करते हैं कि उनका सारा ज्ञान संदिग्ध है, मात्र एक अनुमान है। और यही बात श्री अरविंद हमें बता रहे हैं, All we have learned appears a doubtful guess, the achievement done a passage or a phase whose farther end is hidden from our sight, और सफलता एक साधन अथवा एक चरण प्रतीत होता है, अर्थात अंत नहीं, एक साधन मात्र है सफलता, अथवा एक चरण है जिसका अंतिम छोर हमारी दृष्टि से छिपा हुआ है, अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम सफलता प्राप्त करते हैं, उसका अंत हम नहीं जानते हैं। ए चांस हैपनिंग और ए फॉर्टिट्यूस फेट, या तो ऐसा लगता है कि हमारी जो सफलता है एक संयोग मात्र है, या वह एक आकस्मिक सौभाग्य प्रतीत होता है, अर्थात वो किसी कारण से घटित हो गया है। All we have learned appears a doubtful guess, the achievement done a passage or a phase whose farther end is hidden from our sight, a chance happening or a fortuitous fate। तो यहाँ पर हम लोग इस सत्र को पूर्ण कर रहे हैं। एक बार हम जो आज का अंश हमने पढ़ा है उसके मुख्य भाव क्या रहे उनका स्मरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम श्री अरविंद
आज के अंश में हमें बता रहे हैं कि जब हम बाह्य जगत से विमुख होकर अपने अंतर में प्रवेश करते हैं तो हमें कौन कौन से शाश्वतता के चिन्ह दिखाई देते हैं, अनुभव होते हैं। उसके पश्चात श्री अरविंद हमारे समक्ष आत्मा के कुछ गूढ़ सत्य प्रकट कर रहे हैं और अंत में हमने देखा कि श्री अरविंद हमें यह बता रहे हैं कि हम इन सत्यों को क्यों नहीं जान पाते और इस अज्ञान के कारण, आध्यात्मिक दृष्टि ना होने के कारण हमें यह मानव जीवन कैसा प्रतीत होता है, उसके बारे में हमें श्री अरविंद बता रहे हैं। तो अब हम लोग श्री माँ को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ आज के इस सत्र को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार।